हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सलोनी अग्रवाल और हम लोग थे हमारे सेकंड चैप्टर पे एंड होपफुली आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो हम लोग को पढ़ना था व्हाट इज़ शॉक थेरेपी। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो देख ही लिया था कि डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, तीन हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े थे एंड उसके बाद में बचा है हमारा शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी क्या होता है, नाम तो शॉक थेरेपी है। अब शॉक थेरेपी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी दी जाती है, ओके, बट दिस इज़ नॉट द शॉक थेरेपी वी आर टॉकिंग हियर। शॉक थेरेपी कुछ फिजिकल चीज़ नहीं थी जिससे शॉक दिया गया किसी को, ठीक है। शॉक थेरेपी का मतलब था कि एक ऐसा मॉडल अपनाया गया था पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स के अंदर जिससे बहुत ज़्यादा शॉक लगा था पूरी इकोनॉमी को, पूरे सिस्टम को। ओके, सो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय अ वेरी पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब आपको पता है जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से उन लोगों को कहाँ पे मूव करना था, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ। ओके, तो जो ये ट्रांजिशन था ये क्या था, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस के थ्रू हुआ। द मॉडल ऑफ द ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू बी नोन एज द शॉक थेरेपी। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में या लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक थे, ठीक है, इनका मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका, USA का। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और ये हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस करने लगे थे, ठीक है। लोन देते थे, जब इंडिया में भी ख़त्म हुआ था सब कुछ और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, जो NIEO चलाया था, उसमें भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे भी ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे और जो पॉलिसी थी जो इनके थ्रू इन्फ्लुएंस की गई थी उसको क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी वेरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंगस्ट द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर। अब इंटेंसिटी और स्पीड में तो क्या हुआ, वेरी की इसने अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग स्पीड के साथ हुआ, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ में हुआ और डायरेक्शन भी इसका अलग था लेकिन जो फीचर्स थे वो सिमिलर ही थे। ईच ऑफ दीज कंट्रीज वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी विच मेंट रूटिंग आउट कम्प्लीटली एनी स्ट्रक्चर्स इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। अब यहाँ पर क्या हुआ, जितनी कंट्रीज थी वहाँ पर 15 सब नेशनल्स से बना था हमारा क्या, USSR। तो इन 15 कंट्रीज को क्या था, दे वर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और जो भी स्ट्रक्चर्स थे, जो भी चीज़ें उस टाइम पे बनाई गई थी सोवियत पीरियड के टाइम पे, उन सबको कम्प्लीटली ख़त्म करना था और अब एक टोटल शिफ्ट करना था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन आएगी, ठीक है, ये जो है मतलब अब व्हाट इज़ शॉक थेरेपी अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। सो ये है डेफिनेशन हमारी किसकी, शॉक थेरेपी की। सो वॉट इज शॉक थेरेपी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोग याद कर लेना, एक दो नंबर में पूछी जा सकती है। नाउ आगे चलते हैं, विच मैंट कम्प्लीटली अबव ऑल इट मैंट द प्राइवेट ओनरशिप वॉज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, तो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप जो थी वो डोमिनेंट पैटर्न बन गई थी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। अब यहाँ पे जो था प्राइवेटाइजेशन करना था स्टेट एसेट्स का, जो भी चीज़ें अभी तक सरकार के हाथों में थी वो सब कुछ अब प्राइवेटाइजेशन करना था उनका। कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। कलेक्टिव फार्मिंग वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग। अब यहाँ पे जो फार्मिंग थी उसके अंदर भी इंटरफेयर हुआ और उसको प्राइवेट फार्मिंग के लिए दिया गया। एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि एक टोटल शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पे कैपिटलिज्म की तरफ, कहाँ से, सोशलिज्म से। देन ये मैप दे रखा है, पॉलिटिकल मैप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसको हम CISB कहते हैं, 1997। और ये आपको पता है ये कब बना था, ये बना था जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो फॉर्मर स्टेट्स ने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को बांध लिया था। इसके अंदर मैप थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। बट पहले हम लोग जानते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या थी। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉमनवेल्थ, इससे आपको क्या समझ में आता है ये एक बार आप खुद भी सोचना, जब तक के लिए मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। कॉमनवेल्थ इज़ अ ट्रेडिशनल इंग्लिश टर्म फॉर अ पॉलिटिकल कम्युनिटी फाउंडेड फॉर द गुड ऑफ कॉमन, सॉरी फॉर द कॉमन गुड। अब कॉमनवेल्थ क्या है, एक इंग्लिश टर्म है पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए जो कि बनाई गई है सबके कॉमन गुड के लिए। हिस्टोरिकली इट हैज़ समटाइम्स बीन सिनोनिमस विद रिपब्लिक, द नाउन कॉमनवेल्थ मीनिंग पब्लिक वेलफेयर जनरल गुड और एडवांटेज डेट्स फ्रॉम द 15th सेंचुरी। अब इसका
एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ कि सभी लोगों का वेलफेयर, ठीक है, पब्लिक वेल्थ, वेलफेयर एंड एडवांटेज, या फिर हम बोले कि सबका कॉमन गुड, कॉमन गुड के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनके कॉमन मोटिव के लिए, उनके कॉमन गोल के लिए, एडवांटेज के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब CIS का मतलब क्या है? CIS इज़ अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 9, ओरिजिनली 10 मेंबर्स प्लस 2 फाउंडिंग नॉन मेंबर्स पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स इन यूरेशिया। इट वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। अब CIS को कब बनाया गया था? जब सोवियत यूनियन का रेजोल्यूशन हुआ था 1991 के अंदर, ठीक है। सो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने भी पढ़ा था नेटो और वॉर्सो पैक्ट के बारे में पढ़ा था, तो वो सब क्या थे? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थे, वैसे ही CIS था। सो इसमें कन्फ्यूज मत होना, कुछ बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। इसके हेडक्वार्टर हैं बेलारस में और इसको फाउंड किया गया था 8 दिसंबर 1991 के अंदर। यहाँ पे लैंग्वेज है रशियन, फाउंडर्स थे रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? कॉर्पोरेट करते हैं एक दूसरे को ऑन इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल एंड अदर इश्यूज बिटवीन अ नंबर ऑफ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, ठीक है। इन सारे इश्यूज के ऊपर ये लोग एक दूसरे के साथ में कॉर्पोरेट करते हैं। 12 स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है अभी करंटली ये। 9 तो इसके अंदर मेंबर स्टेट्स हैं, 1 एसोसिएट स्टेट एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ओके, सो ये तो थोड़ा बहुत कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। अब इसका एक बार मैप देख लेते हैं फटाफट से। दिस इज़ द मैप ऑफ CIS, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ है, रशिया है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, बेलारस है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। ये सारे जो थे ये इन्होंने मिलके क्या बनाया था? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ओके, थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज। डेवलपमेंट वॉज नाउ एनविसेज्ड थ्रू मोर ट्रेड एंड दस अ सडन एंड कम्प्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल। अब पहले क्या होता था ना कि उनका ट्रेड जो था वो सीमित था अपने अंदर ही, ठीक है, जो USSR था उसके अंदर ही मोस्ट ऑफ उनका ट्रेड हो जाता था। लेकिन अब क्या था, कम्प्लीट स्विच करना था उनको फ्री ट्रेड के ऊपर। द फ्री ट्रेड रेजिम एंड द फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर टू बी द मेन एंजन्स ऑफ चेंज। अब यहाँ पे क्या बोला कि तो फ्री ट्रेड रेजिम एंड FDI, FDI आपके इकोनॉमिक्स में भी आएगा, बट FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे इसके मतलब से आपको क्या समझ में आता है? फॉरन मतलब के कोई अपने कंट्री से बाहर जो इन्वेस्टमेंट आएगा और वो डायरेक्टली आएगा, ठीक है। वो लोग खुद अपने कंट्री में आएंगे, मान लो फॉर इंडिया में अगर कोई चाइनीज़ कंपनी आती है और वो अपने आदमी, अपनी टेक्नोलॉजी, सारा चीज़ें अपनी लेके आती है, अपने इंडिया में एक प्लांट सेटअप करती है और वहाँ पे काम करती है, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो भी उन्हीं का होता है। तो इसको क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है FII, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंट्री है वो अपनी टेक्नोलॉजी अपन को दे देगी और जो भी काम है वो इंडिया के लोग इंडिया के अंदर करेंगे और प्रॉफिट का कुछ शेयर बाहर भेजा जाएगा। सो दिस इज़ वॉट FII इज़। एंड यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया और ये दो जो थे वो मेन इंजन्स थे। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग अप ऑफ द डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या बोला, ट्रांजिशन के अंदर और क्या इन्वॉल्व किया गया था? ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। अभी मैंने आपको अभी भी कहा कि जो ट्रेड था वो मोस्टली अपने आप में ही करते थे, तो यहाँ पे उस चेन को भी ब्रेक करना था। ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वॉज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट। अब ये सब लोग डायरेक्टली वेस्ट से लिंक हो गए एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन, एक दूसरे से नहीं, वेस्ट से डायरेक्टली लिंक किया गया इनको। दीज स्टेट्स वर दस टू बी ग्रेजुअली एब्जॉर्ब इन टू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकेम द लीडर्स एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सब कुछ था कि शॉक थेरेपी वहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट की गई और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा वो हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए शॉक थेरेपी के? द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन द 1990s डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रॉमिस यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन जनरली। इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। अब क्या हुआ, मास कंजम्पशन का एक यूटोपिया उनको प्रॉमिस किया गया था, वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, इनको रूइन हो गई इनकी पूरी इकोनॉमी और जो डिजास्टर था वो लोगों के ऊपर आया। इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑल्सो ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड एट एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। अब सबसे मेन चीज़ देखो, सबसे बड़ी जो पेनफुल जो चीज़ थी यहाँ पे वो ये थी कि उनके जो 90% इंडस्ट्रीज थी उनको सेल के ऊपर पुट अप कर दिया गया टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, ठीक है, कि आप खरीदो। 90% सेल का मतलब क्या होता है कि कोई दाम ही नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको 90% सेल के ऊपर बेचा जा रहा है। सिंस
सॉरी 90% इंडस्ट्रीज को सेल के ऊपर बेचा गया, ठीक है. सिंस द रीस्ट्रक्चरिंग वॉज कैरीड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेज एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्री पॉलिसीज, इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्री. दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री. अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो शॉक थेरेपी थी उसके अंदर क्या हुआ कि 90% जो उनके इंडस्ट्रीज थे उनको सेल के ऊपर दे दिया गया. अब वो मार्केट फोर्सेज पर डिपेंडेंट था, चाहे तो वो 100 रुपये में बिके, 1 लाख रुपये में बिके, जो भी है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर चल रहा है, ना कि जो गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो डायरेक्ट कर रही है, ठीक है. तो इसकी वजह से इसको क्या क्या कहा गया, लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री. एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड, वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज अंडर वैल्यूड हो गई एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस, थ्रो अवे प्राइसेस पर उनको सेल किया गया. दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स, मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी. अब यहाँ पे वाउचर्स भी दिए गए थे सिटीजन्स को कि आप इनसे खरीदे, वाउचर्स जैसे हम लोग को मिलते हैं मॉल वगैरह के, वैसे वाउचर्स इनको यहाँ पे दिए गए, लेकिन उनको इमीडिएट पैसों की जरूरत थी इसीलिए उन्होंने ब्लैक मार्केट में उनको बेच दिया. द वैल्यू ऑफ द रूबल, द रशियन करेंसी, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, रशिया की करेंसी क्या है, रूबल है, डिक्लाइन ड्रामेटिकली. अब उनकी करेंसी की जो वैल्यू थी वो भी ड्रामेटिकली कम होती गई. द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स. इन्फ्लेशन का आपको मतलब पता ही है कि जब अनकंट्रोल्ड जो हमारे रेट्स होते हैं चीज़ों के वो बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ और जो लोगों की सेविंग्स थी वो भी खत्म हो गई. द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, लीविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी. अब जो कलेक्टिव फार्म का वहाँ पे सिस्टम था वो हटा दिया गया था और उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया था वहाँ पे, तो फूड सिक्योरिटी भी नहीं बची थी कंट्री के अंदर. एंड रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड. द रियल GDP ऑफ रशिया इन 1991 वॉज बिलो वॉट इट वॉज इन 1989. ऑब्वियसली वहाँ की GDP थी 1989 से कंपेयर करें तो 1999 के अंदर वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी. द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस. जो द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वो सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड. अब आपको पता है सोशलिज्म जो है वो सोशल वेलफेयर के ऊपर काम करता है, वहाँ पे सभी को इक्वली वेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. तो अब ये क्या था सिस्टम, इसको सोशल वेलफेयर को वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया. द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी. अब गवर्नमेंट सब्सिडीज जो थी वो खत्म हुई तो लोग पॉवर्टी के अंदर मूव करने लग गए. द मिडिल क्लासेस वर पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड. अ माफिया एमर्ज्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज. पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स. अब ऑब्वियसली पहले क्या था, जब सोशलिज्म था तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि एक बहुत ज़्यादा अमीर है और एक बिल्कुल ही गरीब है, ठीक है. एक रीजन तो थे वहाँ के वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए, प्रॉस्पेरस हो गए, लेकिन कई जो थे वो बहुत ज़्यादा पुअर रह गए. अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वॉज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल. द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. अब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन था उसको सेम अटेंशन और प्रायोरिटी नहीं दी गई, ठीक है. इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो था वहाँ पे उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, उसको ज़्यादा मेन समझा गया, इंपॉर्टेंट समझा गया, और जो डेमोक्रेटाइजेशन था उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स. अब क्या हुआ, उन लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, आपको पता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कितना केयरफुली प्लान किया गया था, ठीक है, हमको इतना टाइम लग गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिली और बहुत ज़्यादा हरी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा जल्दी के अंदर उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको ड्राफ्ट किया गया. और रशिया के अंदर क्या हुआ था कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था जिसके अंदर वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट्स रिलेटिवली वीक. इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर्स विद देम एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन. रशिया के अंदर क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के साथ में थी और जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्स थे वो रिलेटिवली वीक रह गए. और सेंट्रल एशिया के अंदर क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट्स थे उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर्स थी और वो धीरे धीरे अथॉरिटेरियन बनते गए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर. अब इन दो जो प्रेसिडेंट थे इन दो जगहों के, उन्होंने क्या किया, अपने आप को पावर में अपॉइंट कर लिया. दे बिकेम द प्रेसिडेंट एंड देन दे एक्सटेंडेड देयर पावर्स फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स एंड देन अगेन एक्सटेंडेड इट टू अनदर 10 ईयर्स, ठीक है. तो 20 ईयर्स उन्होंने वहाँ पर रूल किया. दे अलाउड नो डिसेंट ऑन अपोजिशन, कोई अपोजिशन वहाँ पर था ही नहीं. अ जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वॉज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज. जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस थी, जुडिशियल जो कल्चर था उसको अभी एस्टैब्लिश करना बाकी था. मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, 10 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस. द रीजन फॉर द रिवाइवल ऑफ मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस. अब आपको पता है जो ये गल्फ रीजन है, ये लोग क्या है, इनके पास में सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स, ये चीज़ें जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पाई जाती हैं, ठीक है. तो
रशिया ने क्या किया, रिवाइव होना स्टार्ट किया 2000 के अंदर, 10 ईयर्स लेटर देयर इंडिपेंडेंस. अब सबसे बड़ा जो रीज़न था वहाँ के जो कंट्रीज थे उनके रिवाइवल का, वो था उनके नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, ऑयल को, मिनरल्स को, नेचुरल गैस को, इन सबको एक्सपोर्ट करना शुरू किया. और जो कंट्रीज थे जिनके पास में ये चीज़ों की कमी थी, उन्होंने क्या किया, अभी देखते हैं एक बार, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान और मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स. ये सब जो है मेजर गैस एंड ऑयल प्रोड्यूसर्स है, अदर कंट्रीज दैट हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट, सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज रीस्टार्टेड. अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, अब इनको इधर सप्लाई करनी है अपनी गैस, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे बीच में जो भी कंट्री होगी वो क्या करेगी, अब गैस पास करनी है तो आप लोग प्लेन से तो भेजोगे नहीं, ठीक है, और किसी चीज़ से भेज नहीं सकते, यहाँ से आपको पास करना पड़ेगा. अब गैस और जो नेचुरल ऑयल वगैरह होते हैं इनको बड़े बड़े पाइपलाइंस के थ्रू जो है सप्लाई किया जाता है. तो अब यहाँ से जाएगा तो पाइपलाइन इनकी कंट्री में से होके गुजर रही है, तो ये क्या करते थे, इस पाइपलाइन के लिए चार्ज करते थे. तो यहाँ से इसको, रशिया को तो बेनिफिट हो ही रहा है क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रहा है इसको, और जो बीच वाली कंट्री है इसको भी बेनिफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से उनका पाइपलाइन गुजर रहा है और उसके लिए वो लोग रेंट चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, सो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर रिवाइव करना स्टार्ट किया.